गर्मी काफ़ी पड़ रही है और ऐसे में लगता है कि फटाफट कुछ अच्छा सा बन जाए जिसमें मेहनत भी कम लगे और सबको पसंद भी आए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन वर्मा, आपकी होस्ट, और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूं जिसमें आप केवल एक इंग्रेडिएंट से पूरे घर के लिए टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। आप इसे लंच या डिनर में भी खा सकते हैं, और अगर रोज़ के खाने से बोर हो गए हों तो भी ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले एक बोल में डालेंगे 1.5 कप आटा, जो करीब 150 ग्राम आटा है, और साथ ही इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच वेजिटेबल ऑयल, और फिर इसे हम अच्छे से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी या पराठे के लिए आटा गूंथते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ भी सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है। और ये देखिए, आटा हमारा गूंथकर रेडी हो गया है। अब इसे हम एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे और फिर ढक देंगे, और ढक कर 5 मिनट इसे हम रेस्ट करने देंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया 2 बड़े चम्मच लहसुन की कलियाँ, जो करीब 10 से 20 लहसुन की कलियाँ, और इसे अच्छे से हम क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब इसे स्पून से निकाल कर एक बोल में रखेंगे। और फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। आप चाहें तो घी की जगह पे बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी या बटर ही यूज कीजिए। इससे पराठा का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, ऑयल यूज करने पे वो टेस्ट नहीं आ पाता है। आज हम बना रहे हैं मसाला पराठा, तो चलिए अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक प्लेट में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच नमक, क्योंकि नमक मैंने आटे में भी डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर 1 या 2 पराठा बना रहे हैं तो आप इन मसालों को पराठे के ऊपर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा पराठा बनाना हो तो इस तरह से मसाला मिक्स करके रख लीजिए, तो आपको डालने में ईजी होगा। तो चलिए अब हम आटे को देख लेते हैं। आटा भी हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। एक बार हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो 5 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा पराठा छोटा बन जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा या बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं। अब हम 1 पार्ट को लेंगे और इसे हम सूखे आटे से डस्ट करेंगे, और फिर इसे हम बेल लेंगे और एक बड़ी रोटी बना लेंगे। और बेलते समय जब ज़रूरत होगा तो सूखा आटा वापस से डस्ट करके फिर से बेल लेंगे। जैसे आपको ज़रूरत लगेगा उस हिसाब से सूखा आटा डस्ट करके इसे बेल लें, जिस तरह से बड़ी रोटी बन जाए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट गोल रोटी ही बेलें। और फिर इसके ऊपर हम घी और गार्लिक को ब्रश कर लेंगे अच्छे से। गार्लिक को भी ब्रश से हम उठाकर इसके ऊपर आटा रोटी के ऊपर लगा ले रहे हैं, और पूरा चारों तरफ किनारे अच्छे से घी लगा होना चाहिए। इसके ऊपर हम डाल देंगे मसाला जो मैंने रेडी करके रखा था। मैंने 1 पराठे में करीब 1/2 छोटी चम्मच मसाला का यूज किया है, और इसके ऊपर फिर डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती। अब हम पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप काट लेंगे, और पूरा एंड तक हमें नहीं काटना है, इसे चारों तरफ से जुड़ा ही रहना है, सिर्फ हम बीच में हमें कट करना, और जितने स्ट्रिप काटेंगे उतनी हमारे लच्छे बनेंगे। मैंने एंड तक नहीं काटा है, सिर्फ बीच में ही कट किया है ताकि चारों तरफ से जुड़ा रहे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर लंबाई में इसे काटा है, तो उसी वे में हम नहीं मूव फोल्ड करेंगे, इसे डायगोनली फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैंने लंबा स्ट्रिप काटा है, तो इसे साइड से हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देते हैं। आपको दिख रहे होंगे इसमें स्ट्रिप्स कितने बने हुए हैं, जितने स्ट्रिप्स आपको दिख रहे हैं उतने ही लच्छे इसमें बन कर आएंगे। दोनों हाथ से इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। और ये अब पूरा फोल्ड हो गया है, इसे हम उठाकर बीच में कर लेते हैं, और फिर साइड में एक फिंगर रखकर हम इसे फोल्ड करेंगे, और किनारे के इस साइड को हम चारों तरफ इसे लपेट देंगे, और जो लास्ट एंड बचेगा उसे हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसे अब हम दबा देते हैं। अब ये हमारा एक रेडी हो गया है। इस तरह से आपको जब ज़्यादा पराठा बनाना हो तो सारे लोई को इस तरह से बनाकर रख लें, उसके बाद पराठा बनाना स्टार्ट करें। अब इसे हम सूखे आटे से डस्ट करके बेल लेंगे,
और बेलते समय ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इसे इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा रोटी को हमें पतला नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा पतला हम कर देंगे तो इसके सारे स्ट्रिप्स जो हैं, जो लेयर्स हैं, वो सारे आपस में चिपक जाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। जिस तरह से स्टफ़ पराठा हम रखते हैं थोड़ी सी मोटी, उस तरह से हमें इसे मोटा पराठा रखना है। बस ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे सिर्फ इतना बड़ा किया है। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम बेला था रोटी को तो बड़ा बेला था, और सेकंड टाइम में थोड़ा सा छोटा पराठा इसका बनाया। अब इसे हम गर्म तवे पर डाल देंगे। तो जब तक ये पराठा एक साइड से लाल हो रहा है, हम दूसरा पराठा भी रेडी कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे पराठे को बनाकर रेडी करके रख लेंगे, और ये पराठा बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है, और सभी को ये पसंद आता है। और यकीन मानिए, जब आप ये पराठा बनाकर खाएंगे ना, तो सादा पराठा खाने का आपका मन ही नहीं होगा। तो चलिए, अब हम तवे पर पराठा पड़ा हुआ है उसे हम देख लेते हैं। ये एक साइड से पक चुका है, इसे हम टर्न कर देंगे और दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच घी। घी से ही सेके तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप चाहें तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, बटर या ऑयल, लेकिन जो अंदर में हम लगाते हैं उस जगह पर आप या तो बटर या घी का ही यूज करें तो पराठा बहुत अच्छा बनता है। और ये दूसरे साइड भी मैंने घी डाल दिया एक छोटा चम्मच, और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। और ये देखिए, पराठा दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। इस तरह से लच्छा पराठा बनाने से उसके एक एक लेयर्स अलग हो जाते हैं और बहुत इजीली अलग हो जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें जितने लेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये बहुत इजीली अलग हो जाते हैं। देखिए, पराठा सीखते सीखते ही सारे लेयर्स अलग होना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, स्पून से मैं उठा के आपको दिखा रही हूँ। अभी काफ़ी गर्म है, ये देखिए पूरी लेयर्स इसके अच्छे से निकल आते हैं। अब ये रेडी हो गया, इसे हम प्लेट में रख देंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। आप इसे चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, या अचार के साथ खाइए, दही या रायते के साथ खाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। या आप इसके साथ कुछ भी नहीं लेंगे। इस तरह से पराठा बनाने में गार्लिक की खुशबू के साथ जो मसाले मिक्स हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और जब भी आपको मन ना हो कुछ एक्स्ट्रा बनाने के लिए, तो झटपट ये पराठा बनाइए, सॉस या चटनी के साथ खाइए, या आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह से इजी रेसिपी डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड कीप कुकिंग।